साहित्य और पत्रकारिता के बीच एक अनन्य संबंध तो जरूर है। एक आम पाठक को यह रिश्ता कुछ गूढ़ सा अवश्य लग सकता है। समग्र गांधी वांग्मय इस दिशा में उसे सर्वोत्तम उदाहरण के तौर पर आलोकित कर सकता है। बात है शब्दों सफों के माध्यम से पाठकों के दिलों तक पहुंचना, उन्हें आत्म मंथन के लिए कुछ हद तक प्रेरित करना। ऐसे ओवरलैप करने वाले उदाहरण हमें वर्तमान काल में भी मिलते हैं। जुलाई का महीना आ चुका है, कैसे भूल सकते हैं शब्दों के सकारात्मक जादूगर प्रखर लेखक पत्रकार प्रभाष जोशी को। और समय का संयोग भी देखें, उनका गांधी शांति प्रतिष्ठान और भूदान आंदोलन से भी संबंध का उल्लेख मिलता है। उनके विस्तृत कृतित्व को याद करते करते ये हैं श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति से हरे राम वाजपेयी। पत्रकारिता और पत्रकार और अखबार पर कहीं भी किसी भी रूप में जब भी चर्चा होती है तो हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मारतंड जो 1826 से शुरू होता है उस पर और देश के तमाम मूर्धन्य पत्रकारों के नाम के साथ मालवा की पत्रकारिता विशेषकर इंदौर और उसमें भी नई दुनिया से जुड़े हुए पत्रकारों पर चर्चा के बिना विषय की पूर्णता होती ही नहीं है। अब बात करें पत्रकारों की तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, नई दुनिया के राहुल बारपुते और अन्यों के साथ प्रभाष जोशी के उल्लेख के बिना बात अधूरी ही रह जाएगी ये कहना बिल्कुल समीचीन रहता है। मुझे सौभाग्य मिला कि स्मृति शेषप प्रभाष जोशी जी को सुनने का और पास से देखने का और उनसे चर्चा करने का। श्री मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति से जो 1927 में वीणा प्रकाशित कर रही है उन्हें यहाँ पास से देखा, कार्यक्रमों में सुना और पत्रिका में उनके आलेख भी पढ़े। कहा गया है कि किसी भी पत्र या पत्रकारिता के लिए या अखबार के लिए या पत्रकार की रीढ़ वहां का संपादक माना जाता है। उन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, विष्णु पराडकर, राजेंद्र माथुर, मानिकचंद वाजपेयी, शरद जोशी, राहुल बारपुते आदि के नाम तो बता ही रहा हूँ, पर प्रभाष जोशी के नाम के बिना प्रभाष हो ही नहीं सकता। जनसंता के संस्थापक प्रखर पत्रकार प्रभाष जोशी भाषा की शुद्धता, क्षेत्रीयता और बोलियों का समावेश तथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और शीर्षक और नपे तोले शब्दों का जिक्र करना अगर किसी से सीखना है, अगर इसमें कोई माहिर था और अगर कोई गुरु हो सकता है तो वो प्रभाष जोशी। 17/11/1983 जनसंता में लिखते हैं, सावधान आगे पुलिया संकीर्ण है, ये किसी संदर्भ में था, रास्ता नहीं। राजभाषा द्वारा लाए गए तमाम शब्दों से हो रही परेशानियों से भी वो अवगत हुए जिन्हें उन्होंने अपनी भाषा और शैली से दूर किया। डॉक्टर कमल हितावल अपनी कृति मालवांचल की पत्रकारिता में कहते हैं कि प्रभाष जोशी देश के शीर्षतम और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार रहे हैं। अखबारों की भाषा सुधारने और शुद्ध भाषा के हिमायती के रूप में प्रभाष जोशी सदैव याद आएंगे, उन्हें मैं सादर नमन कर रहा हूँ। वीणा पत्रिका के संपादक राकेश शर्मा। प्रभाष जोशी को याद करने का अर्थ है उस समय को याद करना जब हिंदी पत्रकारिता अपने संस्कार ग्रहण कर रही थी। हम सबको पता है कि वे नई दुनिया में राजेंद्र यादव के संपादन के समय से जुड़े थे, इसलिए उस काल की जो चिंताएं थीं वे हिंदी को नया रूप देने की चिंताएं थीं। इसलिए प्रभाष जी का जो भाषाई संस्कार है वह बहुत विशद है। राहुल बारपुते उन दिनों नई दुनिया में थे और वे हिंदी की पत्रकारिता को नया रूप रंग दे रहे थे। हम सबको याद है
कि हिंदी पत्रकारिता में वर्षों तक नई दुनिया को उसके भाषाई और पत्रकारिता के संस्कारों के लिए देश भर में जाना गया, पुरस्कृत सम्मानित किया गया। आप यह भी जान लें कि ये केवल प्रभास जोशी हैं जिन्होंने पत्रकारिता में क्रिकेट की समीक्षा को नया आयाम दिया और नए शब्द दिए। अंग्रेजी शब्दावली का उन्होंने एक तरह से उसको निकाला, बाहर किया, डॉट बाल के जगह पर शून्य गेंद का प्रयोग करने का काम प्रभास जोशी का है। हम सबको यह भी याद है कि जब वे जनसत्ता में रहे, संपादक हुए, तो जनसत्ता में कागद कार्य स्तंभ वो लिखा करते थे। उस कागद कार्य स्तंभ में केवल खेल की ही नहीं, सारी दुनिया की चिंताओं पर आलेख होते थे। लेकिन बहुत कमाल की बात यह थी कि उसकी शब्दावली ठेठ देशज थी, जिसमें मालवा धड़कता हुआ दिखाई पड़ता था। और जब भी वो बात करते थे, कहते थे अपन तो गांधी के चेले हैं, तो वो चेले शब्द में आप अनुयायी होना कह सकते हैं, लेकिन बड़ा मार्मिक था। मार्मिक इसलिए कि जो संगीत भी सुनते थे तो कुमार गंधर्व उनके प्रिय गायक थे, प्रिय संगीतकार थे, और वर्ष में एक बार जलसा सजाते थे जिसमें कबीर को सुनते थे। तो आप इससे तह में जाइए कि उनका मानस क्या था। कबीर को सुनना यानी लोक को आत्मसात करना है, और ऐसा नहीं है, कोई कट्टरता बस नहीं था। वो भारतीय मनीषा के हर पक्ष को सुनते थे और बोलते भी थे उस पर, लेकिन जब वो बोलते थे तो उसमें ऐसा नहीं था कि कोई बनावटीपन रहे, वह बहुत स्वाभाविक होता था। यही कारण है कि उनके ही कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उन्हें अपने समाचार पत्र के प्रकाशन के समय ये लिखना पड़ा कि इतनी ही प्रतियां हम छाप सकते हैं, आप लोग मिलजुल कर इसे पढ़ लीजिए। तो हिंदी पत्रकारिता में चमत्कार घटा, और घटा उनकी ही पत्रकारिता के युग में। इसलिए प्रभास जोशी हमारे लिए बहुत कुछ है, वे पूर्ण प्रकाश स्तंभ हैं, भाषा के लिए भी, साहित्य के लिए भी, राजनीति के लिए भी। पत्रकारिता में केवल समस्या उठाना प्रभास जोशी का काम नहीं था, वे उस समस्या की जड़ तक जाते थे। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, ये वे नाम हैं जो इंदौर में से निकलने वाली पत्रिका वीणा के संरक्षक मंडल में थे। प्रभास जोशी साहित्य में भी उतनी ही चिंता प्रकट करते थे, और कहा करते थे कि साहित्य को कल्पना का केंद्र मत बनाइए, आप गांव से जुड़िए, आप लोक से जुड़िए, आप सामान्य जन से जुड़िए, और उनकी चिंताएं, उनकी कहानियां, उनका दर्द साहित्य में रखिए। तो ऐसे महापुरुष को, महान संपादक को, एक अत्यंत जागरूक पत्रकार को याद करना हम सबका धर्म है, कि हम उन्हें प्रणाम करें, हम इनसे ऊर्जा लें, उनसे संदेश लें। अरविंद तिवारी, अध्यक्ष, इंदौर प्रेस क्लब। प्रभास जोशी जी का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक था, पत्रकारिता, क्रिकेट, कबीर, ऐसे तमाम पहलू थे उनके, जिसको लेकर मतलब उनकी एक अलग पहचान थी। इंदौर उनकी कर्मस्थली शुरुआती दौर में रहा, इंदौर प्रेस क्लब के वो संस्थापक सदस्यों में थे, बाद में दिल्ली चले गए, और जब वो जनसत्ता के संपादक थे तब उन्होंने जो कागज कार्य के माध्यम से जो लिखा, कागज कार्य उनका इतना लोकप्रिय स्तंभ था जो आज भी चर्चा में है। और हमने इंदौर प्रेस क्लब में यादों में प्रभास एक कार्यक्रम किया था, और उसमें जब हमने एक स्मारिका निकाली थी उसमें कागज कार्य के कई चुनिंदा जो उन्होंने लिखा था वो हमने लेख लिए थे। आज भी हमारे पास कई लोग इंदौर आते तो हमसे कहते हैं कि हमें उसकी कॉपी आप उपलब्ध कराइए, एक संकलन है वो। और क्रिकेट के वो इतने शौकीन थे, मतलब कई बार उनको
धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति को लॉर्ड्स के मैदान पर गैलरी में देखना, दर्शक दीर्घा से देखना, और एक एक बॉल पे जो उनकी रिएक्शन रहती थी प्रभास जोशी की, वो देखने काबिल रहती थी। शास्त्रीय संगीत के वो बहुत अच्छे जानकार थे और खासकर कबीर के पदों में उनकी बहुत रुचि थी। मतलब कुमार गंधर्व से जुड़े अनेक आयोजन उन्होंने दिल्ली में करवाए। प्रहलाद सिंह टिपानिया जो है, जो पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जो देश के बहुत बड़े कबीर पद गायक है, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने में प्रभास जी का बहुत योगदान रहा। गांधीवादी थे, आजीवन उन्होंने जो है खादी पहनी। स्टूडेंट के रूप में मैंने देखा कि जनसत्ता की कितनी डिमांड रहती थी। बहुत छोटे छोटे कस्बों में जहां जनसत्ता की दो तीन पतियां पहुंचती थी, वहां प्रभास जी का लिखा कागज कार्य पढ़ने के लिए लोग आपस में अखबार को शेयर करते थे। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी प्रभास जोशी ने एक अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हीं के कारण आज इंदौर भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। प्रभास जोशी, व्यक्तित्व एक अनूठा सा। स्वरांश सौजन्य, संतोष अग्निहोत्री, आकाशवाणी इंदौर।